सत्पुरुष ने इतनी शक्ति और इतनी ऊंची पदवी है, यो साहेब साहेब किनू किया गया, करता पुरख नू जिनू की असी ले मैन कहने रब भगवान निरंजन पुरुष के बीच जेड़ी ज्योति है साड़ी प्रकाश दिसता है, वो ज्योति स्वरूप भगवान है। वो निरंजन पुरुष नू ड्यूटी बनी है सारे संसार नू चलान दी, और उसनू चलान दे वास्ते शक्तियां बख्शियां ने ब्रह्मा विष्णु महेश नू इस संसार नू चलान वास्ते। ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, विष्णु पालना करता है, महेश जो संहार शक्ति है उसके को, और उसनू ताकत कौन दे रहा है? निरंजन पुरुष ज्योति स्वरूप भगवान। सतपुरुष सचखंड के विच बैठा है, कहते सतपुरुष संत जो कहेंगे साहेब वही करेगा, साहेब बिल्कुल अगे पिछे नहीं जाएगा, जो संतों का हुक्म है जो सतपुरुषों का हुक्म है उसके मुताबिक ही इस सृष्टि की रचना होएगी। और जेड़े जेड़े जीव उस मालिक सच्चे की जात को बिना उसनू देखे प्यार और वियोग और विराग दे विच ने पिछले संस्कारां ते, उन्हां नू ही वो सतपुरुष अपने जीव बिना किसी बहाने तो जुटा लेगा, उहदे कोल आ जाएंगे उहदी शरण दे और उन्हां नू अंदर का भेद दे के अपने नाल लै लेगा। साहिब की करेगा? जो संत कहेंगे वही साहिब निरंजन पुरुष करेगा, उस तो अलावा कुछ नहीं करेगा। जो सतपुरशां दी जो संतां दी रजा होएगी वही राम यानी कुल माले साहेब कोई भी ना दे लो उन्हां नूं, उह उही करेगा जो सतपुरशां दा हुक्म होए। हुण तुसीं जीव देखे कि ऐसे ऐसे जीव ने जिन्हां नूं सतपुरशां ने अपनी मेहर और दया नाल तोड़ मौत दे कोल जाके भी वापस मोड़ लिया। वो कैसी शक्ति सी जिहड़ी संतां ने उन्हां जीवां नूं वापस फेर लियांदा और बंदगी दे विच लाया, भी नहीं है हाले बंदगी करेगी इहदा टाइम नहीं है। सतपुरुष जिहड़ा है सर्व समर्थ पुरुष है, जिसने रब नूं देखना है वो सतपुरुष दे दर्शन करे, संतां दे दर्शन करे। कहिंदे ने मुर्शिद उह सहेड़िए जिहड़ा दो जग दी खुशी विखाले, अव्वल गम टुकड़ेगा मेटे वत रब दा राह दिखाले हुए। कलर वाली कंदी नूं चांदी खास बनावे हुए, उस मुर्शद अन्ने दा की करना जिन्हें कुछ ना कीता वहिंदी नदी रुड़ाए। जिहड़ा मुर्शद तुहानूं बंदगी भी कराए और तुहाडी रोजी रोटी दा भी हीला करे और अंदर उस मालक के नाल भी मिलाए और तुहाडे दिल दे विच भी समा जाए प्यारा लगे तुहानू, उही मुर्शद मुर्शद है, उही संत संत है। उस गुरु नू की सेड़ना जेड़ा खुद ही अज्ञानी है, खुद ही अंदर दी अख नहीं खुली और बाहर मुखी है और सानू भी बाहर वाले पासे ला रहा है। हुण अन्ना आदमी सुजाखा जेड़ा है वह तो अन्ने नू पार टपा देगा, लेकिन अन्ना आदमी कदी नहीं अन्ने नूं पार टपा सकता। असी तो अगे ही अज्ञान के विच अखां साडियां बंद ने, अगर सानू कोई ऐसा असी पीर मुरीद कर लईए पीर मुर्शद जिहड़ा कि अंदर दा भेदी ना होवे, वहिंदी नदी रुड़ाए हो उसनूं, जिवें उह नदी च रुड़दा पिया इस तरह सानू ही रुड़ेगा नाल ही नाल। इस करके बड़े उच्चे पाग होंदे ने उह जीवां दे जिहड़े इहनां नूं सतपुरशां दे दर्शन होंदे ने, सतपुरश मिलदे ने। इस संसार दे विच सारा काम संत करते हैं, किस तरह करते हैं? क्योंकि उन्हां दा संतां दा ही हुक्म चलता है। और अगर सिस्टम दे नाल देखा जाए शब्द सतपुरुष है और जीव जिहड़ा है आत्मा है। जब शब्द इत्थों चल रही शक्ति संसार की रचना वास्ते ते ओह शक्ति पहला भंवर गुफा, भंवर गुफा तो महासुन, महासुन तो थले आके त्रिकुटी, त्रिकुटी तो आके थले निरंजन पुरुष जाके खड़ी हो जाती। वो संत ने, वो सतपुरुष ने, वो जब इत्थे खड़ी हो जाती है उपर का तो रूहानी सफर सानू अंदर दी जुक्ति अंदर दी औस्टल सूक्ष्म जगत दे विच उस मालिक दे नाल मिलाप
प्रकाश और सुरत का शब्द के नाल जुड़ना, यह तो सारा काम संतों के कोल ही यह जोड़ा काम है सर। दसवें द्वार का भगती, फिर वो बाकी भी काम सारा संत करते हैं। किस तरह वो निरंजन पुरुष को अपनी शक्ति बख्शते, शक्ति देते, वो निरंजन पुरुष फिर साढ़े शरीर पिंड देश के दे अपनी शक्ति के नाल सारे शरीर को चला रहे। और यह शरीर के हाथ पैर कन्न जो भी है साढ़े नौ दरवाजे, इन्हों सकता कौन दे रहा है? वो शक्ति जिसे कि असी मन और आत्मा जी किया गया, जिदी सीट इत्थे है। अच्छा, इंद्रिया के काट उत्ते असी क्यों उतरे हैं? क्योंकि असी मन के संघ के बीच, मन जो कहता है असी उस तरह फिर करते हैं। लेकिन सतगुरु ने हर सत्संग किया है कि आत्मा इत्थे रहती, इत्थे जिनी देर तक तुसी अपनी आत्मा जी बिखरी हुई है नौ दरवाजे सिमरन करके इत्थे समेट के नहीं लियाओगे तो तुसी उपर की भक्ति नहीं कर सकते। उत्थे संतों ने बजर कपाड़ लगाया, जगह जगह के बजर कपाड़ लगाए, त्रिकुटी के बाद बजर कपाड़ दे, मासून के बाद बजर कपाड़ दे। अगर जीव अपने आप कोशिश करता है मैं भक्ति करा, मैं अभ्यास करा, तो वो जीव की या डैथ हो जाती या उन्होंने काल लुट लेंदा, रिधियां सिद्धियां आ जाए सामने। इस करके सतपुरुष जो भी जीव कमाई करता है भक्ति द्वारा, वो अपने हाथ च रखता है उसकी कमाई। जिस तरह एक बच्चा सियाना हो कमाई करता है, अगर वो पैसे अपने माँ या बाप को दे जाए तो माँ बाप वो पैसे जोड़ ही जाते, अगर वो ना दे तो लुटा देता सारे पैसे, रात भी खा ली और माँ बाप को भी नुकसान। इस तरीके नाल सतपुरुष जड़े ने जगह जगह बजर कपाड़ लगा है, और सतपुरुष अपने हुक्म दे विच सारी बंदगी कराते हैं और जीव तो बचा के अपने हाथ ही रखते हैं, ताकि जीव रिधियां सिद्धियां करामातों के विच ना आ जाए और अपनी बंदगी नू खत्म ना करे। राम निरंजन पुरुष जिसने ज्योति स्वरूप भगवान किया है, संसार जिसने भगवान करके मानता है, इन्हू सत्ता कौन दे रहा है? शब्द। और शब्द किसका रूप है? संता का रूप है, क्योंकि सचखंड तो शब्द उतरे है। इस करके जो भी गल होवे संता की शक्ति बख्शी है जिन्होंने सारा संसार चलता पिया। अज नू शब्द गुप्त हो जाए तो प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी, यानी कुछ नहीं दिसेगा, तत् सारे तत् मिल जाएंगे, यानी पानी पानी च मिल जाएगा, पानी अगे रोड़ देगा सब कुछ और सब फना सब खत्म हो जाएगा। इस करके संतान की पदवी राम और संत एक चीज है, लेकिन राम को जी शक्ति है संसार को चलाने वाली है, और संतान को शक्ति है जीवन इस संसार चो कढ़ के मुक्त करन दी और जन्म मरण तो रहित करन दी शक्ति। देवी देवताएं ने देवता ने ये शक्तियाँ, क्योंकि तुसी देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पावर है, एक निराकार शक्ति है। वो शक्ति प्रेसिडेंट दे विच भी आई, वो शक्ति प्राइम मिनिस्टर च भी आई है, वो शक्ति मिनिस्टर च भी आई है, और वही शक्ति डिप्टी मिनिस्टर च है, और अगे वो सैकटरी च यानी क्लर्क तक। शक्ति तो एक है ना, वो ना अलग अलग। हूँ जो प्रेजिडेंट है प्राइम मिनिस्टर उसकी इज्जत करता है, प्राइम मिनिस्टर के दूजे आम मिनिस्टर इज्जत करते पे ने, मिनिस्टर के अगो सैकटरी उन्होंने इज्जत करते पे ने। उस शक्ति जी शक्ति ने एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस शक्ति अपने तो सीनियर अपने तो व्डे की इज्जत कर रही, लेकिन चलता तो सारा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पे। इस तरह ही वह कुल मालिक आतार शब्द स्वरूप एक है। ये शक्तियाँ देवी देवता 33 करोड़ देवी देवते, ये सब शक्तियाँ संतां दे शब्द के अधीन ने, ये उसने हुक्म के विच चलदियां पईयां। राम कृष्ण परमहंस बड़े देवी दे उपासक सी,
मां करके बोलते सी उन्होंने, और देवी सिद्ध सी। एक दिन उन्होंने दर्शन होए, क्योंकि तोतापुरी उन्होंने एक संत मिले, तो उन्होंने कहा कि भाई तू ठीक है, बड़ी बंदगी की थी, लेकिन ये तो तू सिद्धियां च आ गया, तू मुक्ति तो नहीं हासिल की थी, तू जा मां को पूछ के आ, क्या तू जन्म मरण तो रहित हो गया। देवी प्रकट सी उन्होंने, तो सामने आई कि मंगता है उन्होंने, क्या मां मैं ये पूछना कि तू मैनू की दे सकती। मां ने कहा दे, मैं तेनू रिद्धियां सिद्धियां काम धर्म अर्थ काम ये दे सकती हाँ, मोक्ष भी दे सकती हाँ, लेकिन तेनू केवल मुक्ति मैं नहीं दे सकती। केवल मुक्ति उन्होंने कहते जरा फिर जन्म मरण के बीच आना ही ना, जिस तरह एक पानी की बूंद समुद्री समा जाए और पानी का रूप बन, वो मैं नहीं दे सकती, वो फिर मैं कितों मिलेगा। और क्या वो तेन संतों को मिलेगा, संतों की शरण पकड़, जोड़ा अंदर का भेदी है उस तो तेन वो मिलेगा। उसके अलावा तू जितनी बंदगी की है ये पुन तेरे बन गए, ये पुना जब तू वरत लेगा वो फिर नष्ट हो जाएंगे, फिर तू जन्म और मरण के चक्कर आएंगे। जितने भी अवतार हुए, देवी देवता हुए, अगर उन्होंने आदर किया है, अगर उन्होंने मनिया है, तो संतान मनिया है। तुसी देखो रामचंद्र जी ने भी संतान ही गुरु बनाया, कृष्ण जी ने भी संतान ही गुरु बनाया, नारद जी ने भी संतान ही गुरु बनाया। जिन्ना दे मर्जी तुसी नाम गिना लो, सब ने गुरु तारिया अपना संतान, गुरु तार के अंदर का योग साधना उन्होंने हासिल की थी। रामचंद्र जी विशिष्ट मुनि थे, कृष्ण जी का घोर अंगिरस सी, नारद जी का ब्रह्मपुत्र संत कुमार सी गुरु, सुखदेव जिसने कि कहते हैं 12 बरस अब माँ के पेट च रहा कि मैनू माया जद जी ना संसार च अपना जोर ना दिखाए, मेरा जन्म उस वेले हो गया, उस वेले हो गया जन्म। लेकिन उन्होंने ही वेद व्यास जी ने कहा कि जिन्नी देर तक तू संतान अपना गुरु नहीं बनाएगा, तू मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता, और जीवित गुरु नु गुरु बनाना पड़ेगा, चाहे वह किसी भी जात का है। जात पात ना पूछो कोई, हर का भजे सो हर का हुई, जात पात किसी की भी नहीं होंगी। संत जिथे भी पैदा हो जाए, रविदास अपने जुतियां गणते सी, सदना कसाई सी उसकी दरबार साहब विच बानी है, रविदास जी की दरबार साहब विच बानी है, और औरत भी जे भजन गीता है तो मालक दे नाल मिली हुई है, मीरा बाई की बानी है दरबार साहब दे। कोई भी उस मालक नूं जपदा है, प्यार करता है, उसदे नाल प्रेम करता है, तो उसका रूप बन जाता है, चाहे मैं हाँ चाहे तुसी हो चाहे कोई है। सो संतान दे फिर पढ़ो, सो परशुराम जी इतने क्रोध च आए, राम दे अगे आके खड़े हुए, संतान ने जे क्रोध नहीं दिखाया तो रामचंद्र जी उस वेले उन्होंने चरणा च पै गए। क्यों? इहदी ही ची खूबसूरती है, चाहे कोई कितनी ही शक्ति वाला पुरुष है, अगर वो हंकार करता है तो वो किसी जोगा नहीं रहता, चाहे मैं हाँ चाहे नारद है चाहे कृष्ण भगवान हो चाहे राम हो। लक्ष्मण ने गुस्सा किया, लेकिन रामचंद्र जी ने अपनी दीनता दिखाई और उन्होंने चरणा च चुप गए। संतान की जेड़ी शक्ति है ये बड़े बड़े कर्मों नूं ही कट देती है, सूली नूं कंडा बना के अगे रख दें। अब्दुल्ला नाम का एक मुसलमान जीव सी, वह मियाँ मीर को गया जी मैनू अंदर का नाम बख्शो। उन्होंने अंदर की नज़र देखी, उन्होंने कहा कि भाई तू तो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि तो हाले तू किनिया ही इस्तियां भोगनिया ने संसार में, तो जहाँ काम है वहाँ नाम नहीं, और जहाँ नाम है वहाँ काम नहीं, ये दो चीज़ा कट्ठिया नहीं चल सकती। अगर तुम कहो
मैं कामी भी बन के रवा और उधरों मैं नाम भी कमावा, ये बड़ा मुश्किल है। वैसे तो शब्द की तस्वीर ऐसी है, जितना भी तुम मेडिटेशन करो तुहाडे अंदर ये जो पंच चोर ने ये कमजोर होंगे जाते हैं, दिन ब दिन कमजोर होंगे जाते हैं। तुहानू नहीं पता लगता, तुहाडी रुचि जी उन्होंने चीज़ों तो कटनी शुरू हो जाती है। उसका मतलब यही होंगे कि ये शब्द का असर है, उस कुल मालिक का अपना असर जीव के उत्ते आ रहा है।